तो फिर आई एम रियली सॉरी, एक के सवाल मुझे बहुत आते हैं। उनका नाम था हेमंत, आई थिंक उनका नाम है, एंड एक का नाम है सरिता, दो नाम मेरे को बहुत याद रह गया है, एंड बाकी भी बहुत सारे हैं जो मुझे पूछ रहे हैं कि मोना आपने आपका स्किन अभी बहुत लोगों को बोलने लगे हैं, मोना आपका स्किन बहुत रिकवर कर गया। यस, बहुत, आई थिंक 80 to 90% रिकवर कर गया है मेरा स्किन। मैं अभी यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, ठीक है? तो देखना, मैं आपको बताती जाऊंगी इसके बाद स्क्रीनशॉट के थ्रू कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी एंड ये कहाँ से आई है। अभी कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल मेरे कैमरे में बना रही हूँ, कोई फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? एंड ये देखो, ये स्किन में कुछ लगा भी नहीं है, बस थोड़े बहुत हल्के हल्के आपको यहाँ पे जो दाग पहले होते थे ना वो दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे, एंड वो भी धीरे 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 वो फेड हो रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि एकदम पता चल रहा है ब्लैक 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 हो के, नहीं। एंड यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है, बस लिपस्टिक। तो ठीक है, सबसे पहले चलते हैं स्टार्टिंग से लेके प्रोसेस में, स्टार्ट करती हूँ फिर मैं बताती हूँ। हम चाहे कितना भी बोल ले कि पिंपल्स होना नेचुरल है, नॉर्मल है, लेकिन वही पिंपल्स अगर बहुत हो जाते हैं, पूरे फेस में आ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो हमको मेंटली कहीं ना कहीं लो कर देती है, हमारे कॉन्फिडेंस को लो करने में बहुत ज़्यादा उसका काम रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं मेरे 29 ईयर्स में सच बताऊँ तो कभी ऐसे वाले इश्यूज़ फेस नहीं करे हुए थे, कभी नहीं। एक दो पिम्पल्स आना जाना अलग बात है, एक टाइम था जनवरी एंड में, सडनली मेरे फेस में बहुत पिम्पल्स आ गए। तो धीरे धीरे वो पिंपल्स को मैंने पूरे 1 महीना ट्रीट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं जहाँ पे थी वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे। फिर वो जब मैं डॉक्टर को दिखाई तब मेरा स्किन कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, एंड तब तक मेरे पूरे फेस में, स्पेशली दोनों गालों में, मेरे फोरहेड में कुछ नहीं था, बट जहाँ पे मेरा मास्क लगता है ना वहाँ पे पूरे फेस में ऐसे पस जैसा नहीं होता, उस तरीके से बहुत ही पेनफुल थे ये सारे, पूरे भर गए थे मेरे स्किन में, एंड उसको मैं कैसे ठीक करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बहुत मास्क यूज़ करने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो यस, मैंने ट्रैवल करा था, मैंने बहुत टाइम तक 24 घंटे में मैं करीब 18-19 घंटे मास्क पहनी हुई थी, इस वजह से हुआ था। तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट करवाने के वजह से करवाया, तो 1 महीना मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया था, फिर उसके बाद मैंने क्योर स्किन का ट्रीटमेंट करा था, वो सारे मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपके साथ शेयर करा हुआ था। फिर धीरे धीरे जो एक्टिव पिंपल्स थे ना वो कम हो गए, लेकिन मार्क्स बहुत रह गए, मेरा कॉन्फिडेंट भी बहुत लो था उस वक्त, मैं उतना ज़्यादा नहीं आके बात कर पा रही थी, मैंने फ़िल्टर लगाना स्टार्ट कर लिया था ताकि किसी को पता ना चले, नहीं करनी चाहिए बट हाँ मेरे को बहुत बुरा लगता था, मैं बहुत टेंस हो गई थी। पर एक टाइम आया कि सारे जितने भी एक्टिव पिंपल्स थे ट्रीटमेंट के बाद धीरे 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 वो सब गए, ड्राई आउट हो गया, फिर दाग रहने लगे उसके धीरे धीरे, क्योंकि मैंने पहला 1 महीना उसको ट्रीट नहीं करा, उसको बहुत हार्शली मैंने ये मास्क वो मास्क लगा लिया था। तो करीब 2 से 3 महीने लगे मुझे बैक टू नॉर्मल मेरा प्रीवियस स्किन में आने के लिए, हल्का हल्का सा भी मार्क्स है, बट अगर वहाँ से मैं यहाँ आ गई तो आई एम श्योर स्किन और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये एक जर्नी था जो मैंने आपको दिखाया, वैसे बहुत सारे लोगों को लग सकता है ये क्या है, क्यों दिखाया, तो इसी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही उस पर ना इमोशनली भी मेंटली भी लोग थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो कि मैं हो गई थी। मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरा स्किन में ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्यों ठीक नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो फाइनली जब मैंने जैसे बोला था हर बार ही पहुँचू कि क्यों नहीं जा पा रही हूँ मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जब मैं जहाँ मैं स्टार्टिंग में गई थी, अभी जैसे कि ऑनलाइन मैं आपको दिखा रही हूँ, एंड ये भी मेरा अभी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 2 महीने ऑलमोस्ट हो रहा है इसका ना, अभी ख़त्म हो जाएगा ये, तो 2 महीने चल जाता है ये आराम से। अभी फिर से मेरे को कंसल्ट करके थोड़े बहुत आई थिंक प्रोडक्ट वो लोग चेंज करेंगे ये वाले स्किन, क्योंकि अभी पिंपल्स मुझे एक्टिव पिंपल्स नहीं होते हैं। तो ये सारे क्योर स्किन के प्रोडक्ट है, वहाँ से डॉक्टर को दिखा के मैंने इसका यूज़ करा हुआ है। आप चाहो तो आप भी कंसल्ट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं स्किन एंड हेयर के लिए, आप अपना प्रॉब्लम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, एंड वो आपको गाइड करेंगे, आपके लिए एक स्किन केयर किट भेजेंगे कि आपको मॉर्निंग, ये कोई मेडिसिन नहीं है, स्किन केयर किट भेजेंगे, आपको फेस वॉश कौन सा लगाना है, आपको क्रीम उसके ऊपर कौन सा लगाना है, क्योंकि पिंपल्स के ऊपर क्रीम लगानी बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज वो नहीं जाते हैं, बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। जब पहले 1 महीना मैंने ट्रीटमेंट नहीं करा उसी वजह से मेरे दाग जाने में इतनी मुश्किल हो रही है मुझे, एंड
आपकी डाइट में क्या चेंजेस करना है, क्या डाइट लेना है, क्या कितने टाइम एक्सरसाइज करना है, क्या करना है, कितने पानी पीने, बहुत सारी चीजें वो आपके साथ शेयर कर लेंगे। वहां से जाना एंड मोनालिसा 100 का कूपन कोड जरूर यूज कर लेना ताकि आपको 100% का 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको 2 महीने के लिए इसमें प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे सारे। एंड एक और चीज आपको यहाँ पे ये बताऊंगी कि ट्रस्ट करो, बहुत सारे लोग जितने भी लिए हैं सबने, सबका रिजल्ट आपने देखा, मेरे खुद का रिजल्ट आप लोग देख रहे हो। एक बार ट्राई करो, थोड़ा सा टाइम दो। सो इन सबका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, कूपन कोड यूज कर लेना। वहाँ पे डॉक्टर्स होंगे, उनके थ्रू बात करोगे तो आपके स्किन की फोटोज वगैरह देख के वो आपके लिए जो भी सही रहेगा वो आपके लिए सजेस्ट कर लेंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है शाम के 4 बजे से एंड ये क्लिप है मंडे का। मंडे मुझे तबीयत थोड़ा सा मेरा सही नहीं लग रहा था, बीच बीच में पता नहीं अभी कुछ ऐसा हो जाता है। तो मैं लंच के बाद ना, ये ब्रेकफास्ट के बाद से मैंने किचन साफ नहीं करा था, मैं जल्दी जल्दी लंच बना के सो गई थी एंड काश ऐसा चुटकी मार के किचन साफ हो जाता। मैं बोल रही थी इसको कि मेरे हस्बैंड को कि देखो यार ऐसे टीवी में दिखाते हैं ना कि चुटकी मारो, या फिर इंस्टा रील वगैरह में होता है ना चुटकी मारो तो ट्रांजेक्शन हो जाती है, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अपना चलो काम करते हैं। रात के जो बर्तन लगे थे ना, ऐसा कभी कभी होता है। मेरे चैनल पर आप लोगों को इसी तरीके से ब्लॉग मिलेंगे जो कि रियल होते हैं एंड ऐसे बहुत सारे मम्मियों के साथ सिचुएशन ऐसा होता है, क्योंकि अभी सभी के घरों में सभी का काम ऐसे ही हो गया, सब कुछ अपने को करना होता है। एंड बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला मोना आप ना थोड़े से, बहुत लोगों को लगता है कभी कभी कि मैं बहुत चीज़ें फेक दिखा देती हूँ, तो अगर मेरे को फेक दिखाना होता ना गाइस तो मैं आई थिंक मैं पहले ये सारा कुछ क्लीन कर लेती फिर आके मैं बताती, मेरे किचन तो हमेशा ही ऐसा क्लीन रहता है। सो मैं वो कर सकती थी चाह के, बट मैं वैसा नहीं करती। बट मुझे कभी कभी लगता है कि फेक बनने में आज के डेट में यूट्यूब में आप बहुत आगे जा सकते हो, मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं क्यों, बट अभी क्या कर सकते हैं। तो फिर किचन का काम हो गया एंड ये मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं, मैं बर्तन वर्तन धो देती हूँ ना तो ये साथ में आकर चाय बना लेते हैं शाम के टाइम पे, तो इसी वजह से उतना नहीं पता चलता जितना एक अकेले इंसान को पता होता। सो मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाती है एंड आई होप आप लोगों का भी ऐसा सपोर्ट सिस्टम है आपके घर में, ताकि अदरवाइज ना एक बर्डन सी हो जाती है। तो आज के डेट में ना मम्मियों के ऊपर, अगर कोई हाउस वाइफ है, वर्किंग वुमेन है, जितने अकेले अकेले करे जाओ ना तो बहुत प्रेशर फील हो जाती है। माई ने भी सेम ऐसा छोटा सा बिंदी लगाया है मेरी तरह रेड कलर का। तुमको क्या बोले बेबी आज डांस क्लास में? ये देख, ये अच्छा लग रहा है, सुंदर है। अच्छा मैम पूछ रहे कि पेन में करी हो क्या, क्योंकि बहुत छोटी है ना। मैं पहले कॉलेज जब पढ़ती थी ऐसे छोटा सा लगाती थी, ये एक था और वो नहीं दूसरे है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने करा हुआ था मील प्लानिंग 2021। ये मैं जनवरी जब मम्मी के यहाँ पे थी ना तब मैंने करा था। ये मेरी डायरी है, मुझे डायरी में बहुत सारी चीज़ें शायरी लिखने की आदत है एंड वो मैं इंस्टाग्राम में शेयर करती हूँ, तो आप चाहते हो मुझे वहाँ पे फॉलो करना। यूट्यूब में मैं नहीं शेयर करती हूँ सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम से होता है। जाना तू जा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कैसे यहाँ पे मील प्लान करा हुआ था, ब्रेकफास्ट का, लंच का, सारी चीज़ों का। यहाँ पे ना लाइटिंग की थोड़ी इशू हो रही है बेडरूम में, तो यहाँ पे बनाते हम लोग डिनर। डिनर में बनाऊंगी यहाँ पे नूडल्स बनाऊंगी एंड एक और फ्राई करूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना ग्रेट करके लिया है थोड़ा सा अदरक एंड बारीक कटा हुआ लहसुन ले लिया है एंड 2-3 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ले लिया था, उसको थोड़ा सा स्टेयर फ्राई कर लेना है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज ऐड करा है, 2 प्याज को मैंने ऐसे स्लाइस कर लिया था, उसको हम लोग अच्छे से सौते कर लेंगे। एंड सब्जी है आपके पास, जितनी सब्जी है आप लोग ऐड कर सकते हो, मेरे पास थोड़े बहुत सब्जियाँ थे एंड वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यार कितना रोटी सब्जी दाल खाएंगे, एक तो घर में रह रहे के अभी ना इंसान पक रहा है कभी कभी एंड वही सेम खाना खा के पक जा रहे थे हम लोग। तो मैंने कैप्सिकम लिया था, कैबेज लिया था ऐड करा हुआ था, थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया था। साइड में मैं यहाँ पे सॉस में ऐड कर रही हूँ चिली सॉस, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे से बनाते होंगे, बट मैंने आज बनाया ये। एंड बहुत सारे लोग मुझे बोले मोना नई रेसिपी ट्राई करो, तो आई एम सॉरी यार मैं इस वक्त कुछ भी नई रेसिपी ट्राई नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नया बनाओ ना उसमें बहुत टाइम लग जाता है एंड माँ मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही है नया इतना टाइम किचन में रहने की। सो माफ़ कर देना अगर आपको, या तो फिर आप यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो नए नए रेसिपीज डेली शेयर करते, तो आप लोग वहाँ से जाके ज़रूर देख सकते हो, पर अभी क्या करें। तो फिर उस सॉस को मैं इन सब्जी में ऐड कर लूँगी,
फिर उसके बाद जो मैंने नूडल्स को बॉयल करके रखा हुआ था ना, उसको मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। तो बॉयल करने के बाद थोड़ा सा ठंडे पानी में धो दिया था ताकि चिपके ना एक दूसरे के साथ। फिर इसको यही थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर अंडा वाला बनाते हैं ना तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है नूडल्स अंडे वाला, बट अंडे कल आने हैं, कल गुरुवार को आने हैं, तो ये संडे का एक्चुअली ब्लॉग था, तो ऐसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है यहाँ पे। एंड वो यहाँ पे फ्राई कर रहे थे जो कटलेट होता है ना वेज वाला वो। तो हमारा आज का डिनर हम दोनों का वैसे माई के लिए अलग सा था, माई अलग खाती है, बस वो टेस्ट करती है, थोड़ा बहुत साइड में लेती है, उसका डिनर मैंने करवा दिया था। तो रेडी है आज का डिनर। मैं ना आज माई को रेडी कर रही थी, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, पता नहीं मैंने आपके साथ कभी बहुत लेट हो गया कि बहुत लाइट। हाँ कौन है, कौन बाबू कह रे, कौन कहो तू मुझे स्लोरी गेम दिखो था मुझे। तो यहाँ पे ना मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, ये शाम को मैं भाई को दिखा रही थी, तो ये सारे मेरे शादी वाले हैं, हाथ में पहनते ना वो है ये, एंड ये हाथ में जैसे यहाँ पे पहनना होता है उस तरीके। मैं दो पैर में आज भाई को पहना के उसको रेडी करा हुआ था, बट माही ऐसी है ना, अगर ऐसा कुछ करो तो उसको वीडियो बनाने का नहीं होता, जब गंदी ही रहती है गंदा सा ड्रेस पहन के तब उसको वीडियो बनानी होती है। ये हाथ इस हाथ के लिए ये, फिर दोनों कुंदन के सारे थे उस वक्त लिया था, ये रखा हुआ है, मैं मम्मी के यहाँ पे छोड़ दी थी लेकिन उसके कुछ साल बाद मैं लेकर आ गई थी यहाँ पे, चलो मेरे पास ही रहना तो इन सबको ये। एंड और गले का तो गले में तो गोल्ड का ही पहनते हैं, ये थोड़ा अलाउ ही नहीं करते हमारे साइड में पहनना आर्टिफिशियल। एंड ये था जो कि बालों में ना इसको लगा सकते हो ऐसे, मतलब जूड़ा बना लिया पीछे, जूड़ा बनाने के बाद ना जूड़ा बनाने के बाद पीछे अपने बालों में बीच में ये वाला आएगा, जैसे बीच में जूड़ा रहता है ना वहां पर ये पोर्शन आएगा, मतलब ये अगर जूड़ा है सोचो तो यहाँ पे ये पोर्शन रहेगा एंड यहाँ से बालों में इस तरीके से जाएगा एंड बालों में इस तरीके से जाएगा। ये मम्मी का था तब, मम्मी ने लिया था तो मम्मी का ये मम्मी ने मेरे को दिया। एंड उसके बाद ये एक है जो कमर में पहनने का, ये लेकिन मैंने ये मैं पहनती हूँ अपनी देवर के शादी में, मैंने पहना था वो सारे पहना हुआ, बस हाथ का नहीं पहना हुआ था, अदरवाइज ये सारे मैंने पहने थे उनके शादी में, ये मांग टीका वगैरह सब कुछ पहना था, तो यूज तो था। अब एक और जब शादी होगा, दो शादी होनी है, कब होनी है नहीं पता, तो उनमें ही मैंने ये था, सारे मेरे साड़ी को मैच करके रेड ग्रीन ये करके उस वक्त हड़बड़ी बहुत जल्दी जल्दी हो गया था मेरी शादी, बहुत जल्दी जल्दी, तो उतने में जितना अरेंज कर पाया हमने करा हुआ था। एक्चुअली ये सब कुछ करने का ये था कि क्योंकि सावित्री आने वाली है ना अभी, तो मैं देख रही थी मेरे पास चूड़ियाँ है नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चूड़ियाँ मैं ली थी यार, मैं बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ उड़ीसा लेकर गई, उड़ीसा में लिया था, तो आते टाइम ना मैं नहीं लेकर आ पाई, तो मेरे को था कि हम लोग आके फिर वापस चले जाएंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों बेकार में लेकर आना, बट जा ही नहीं पाया एंड जा भी नहीं सकते अभी एक और साल, तो फिर एंड वहां से अगर कुरियर करो ना तो टूटने का चांसेस बहुत है। एंड अभी मैं ऑनलाइन भी ऑर्डर कर रही हूँ तो सारे, अगर मैं 15 को देख रही थी तो सारे जून 15 जून 20 को दिखा रहे हैं, एंड जून 10 को शायद सावित्री ऐसा कुछ आ रही है, सो वही जो है उसी से मैनेज करना पड़ेगा इस बार, तो वही देखते देखते ये निकला, अदरवाइज ये नहीं निकलता आज। आप लोगों में से आप लोग बताना जो लोग यहाँ पे हो, बहुत लोग तो चले गए होंगे, उड़ीसा में होता है सावित्री, जैसे महाराष्ट्र में बट सावित्री आई थिंक है आप लोग करते हो, तो हमारे साइड में वैसा आता है, पड़ता है सावित्री में जून 10 को आ रहा है, तो उसमें तो हमेशा तो नई साड़ी नई चूड़ियाँ मैचिंग करके फिर उसका एक सेट आता है सावित्री का, वो सारी चीज़ें होती है। तो अभी तो घर से भी मम्मी बोल रही थी फिर मैं यहाँ से कुरियर करवा दूँ क्या, मैं बोली कुरियर ही इतना लेट में आ रहा है तो जब तक आप वहाँ से पार्सल आएगा तब तक कहती हूँ वो ख़त्म भी हो जाएगा, इससे अच्छा ऑनलाइन ऑर्डर करूँ सोची, फिर ऑनलाइन तब से देख रही हूँ कि जून 12 के बाद ही दिखा रहा है, जून 12 से पहले कुछ नहीं दिखा रहा है अमेजोन से, नहीं मैंने मीशो से ट्राई करा नहीं हो रहा है, कहीं से भी नहीं हो रहा है, इंस्टा स्टोर 2-4 से मैंने बात करी वो लोग भी बोल रहे टाइम तो लगेगा आपके यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे अभी जो कर्फ्यू के चल रहा है ना उस वजह से लॉकडाउन की वजह से, तो फिर ठीक है जो है जैसा है। खत्म हो गया आज के लिए आज का किचन का काम, कल मेरे सुबह शुरू होगा, मेरे को लगता है आज का व्लॉग पूरा किचन से स्टार्ट होगा, यहीं पे चले जा रहा है। तो फिर चलो आज के लिए किचन को यहीं पे एंड करते हैं बहनों, और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9 हुआ है बस, 9 बजे खत्म हो गया काम, जल्दी कर लेती हूँ अभी थोड़ा सा काम खत्म, चलो।